मौसम में उतार चढ़ाव और तापमान में गिरावट के साथ लगातार स्वाइन फ्लू के रोगी सामने आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर जिले भर में टीमों के मार्फत डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम आदि रोगों से पीड़ित मरीजों की स्क्रीनिंग कर टेमीफ्लू व अन्य दवाइयां दी जा रही हैं। जिले में लगातार रोगी मिलने के बाद स्वाइन फ्लू वायरस की रोकथाम के लिए आखिरकार चिकित्सा विभाग हरकत में आ ही गया। जिले में स्वाइन फ्लू से 10 लोगों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग की नींद खुल गई है, जिसके बाद लगातार स्वाइन फ्लू के वायरस की रोकथाम के लिए भरसक प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है। मरीजों के चिकित्सा संस्थानों पर और डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है एवं उन्हें टेमीफ्लू की दवा दी जा रही है। साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर अलग अलग वार्डों में सर्वे भी किया जा रहा है। बुधवार को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित टीमों ने शहर के अलग अलग वार्ड में डोर टू डोर सर्वे कर लोगों से खांसी, बुखार सहित अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी ली और जरूरत पड़ने पर टेमीफ्लू की दवाई देकर स्क्रीनिंग की गई। चिकित्सा विभाग द्वारा गठित टीम में नर्सिंग छात्र छात्राओं एवं चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को शामिल किया गया। जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के प्रयास चिकित्सा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। जिले में कल शाम तक 60 पॉजिटिव केस थे, लेट नाइट में 5 केस और निकल गए, तो कुल मिला के 65 पॉजिटिव केस है अपने बाड़मेर जिले में। उसमें से 4 डेथ है और टीमें जो है वो हमारी लगातार समय समय पर भ्रमण कर रही है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 21 जनवरी से 23 जनवरी के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग कैंपेन चलाया था, जिसके तहत आशा, नर्सिंग स्टूडेंट, ANM घर घर जाके वो स्क्रीनिंग कर रही है। कल तक 42,927 घरों का टीमों द्वारा विजिट किया गया है, उसमें से 128,565 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी गई है और उसमें से 4,097 जो है वो सर्दी, जुकाम, खांसी के रोगी पाए गए। मौसम जो परिवर्तन हो रहा है इसमें, जैसे अभी कल परसों कुछ बूंदाबांदी हुई, बारिश भी हुई है, तो इससे टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है इसमें जो H1N1 वायरस है उसको थोड़ा सूटेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है और इसमें थोड़ा सर्दी, जुकाम, खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। गौरतलब है कि जिले में सर्द हवाओं के साथ स्वाइन फ्लू का वायरस विकराल रूप ले रहा है। जिले में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद से चिकित्सा विभाग अलर्ट है, लेकिन जिला अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।